अच्छा इसी कोड को जो हमारे सामने है अपेरेंटली आपको यूँ लग सकता है, लगता होगा कि ये जो थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद वबोस बनाएं बनाएँ तो इट माइट लुक अ लिटल मोर कन्विंसिंग टू यू लाइक इफ आई राइट इट लाइक दिस इट माइट लुक दैट

इसके फॉल्स होने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट चूंकि इस इफ स्टेटमेंट के अंदर इसकी बॉडी का हिस्सा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो फिर हम वरना के सेक्शन में आएंगे यानी ये स्टेटमेंट सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी सो तो इस तरह से अगर हम इसको सिंपल इफ़ की बजाय इफ़ और एल्स के स्ट्रक्चर में लिखें इट माइट लुक अ अटल मोर कन्विंसिंग टू यू सो अगर हम यहाँ पे बिगर को टेस्ट करें मुख्तफ वैल्यूज़ के साथ ने थोड़ा सा उसको तब्दील किया है तो इट शुड वर्क फाइन विद एस थ्री टू में दिस इज द सेम कोड एज वी वर डूंग बिफोर जो हम पहले कर रहे थे बिल्कुल वही काम यहां पर कर रहे हैं बट इस कोड की नस्बत अगर हम इस तरह से लिखें तो इट लुक्स अल मोर एक्सप्रेसिव सो इफ यू गो बैक टू दिस

एंड दैन कंडीशन एंड दैन अ ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन वेदर दैट कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एक्जीक्यूट होगा अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम एल्स में आएंगे याद रखिए अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम एल्स में नहीं आएंगे यानी ये दोनों जो पार्ट्स ऑफ ब्लॉक हैं एक्सक्लूसिव हैं अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये एक्जीक्यूट नहीं होगा और अगर ये एक्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर ये एक्जिक्यूट होगा तो हमारे पास इफ़ के साथ साथ उसको मजीद बढ़ाने के लिए एल्स का स्ट्रक्चर भी मौजूद है सो नाउ वी टेक अनादर एग्जाम्पल ऑफ दिस वी से दैट डिफाइन अ प्रोसीजर इज फ्रेंड दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इट्स इनपुट एंड आउटपुट्स अ बुलियन इंडिकेटिंग इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ अ फ्रेंड तो हमसे अब कहा गया है कि हम एक प्रोसीजर डिफाइन करें इस फ्रेंड के नाम से जो एक स्ट्रिंग एज इनपुट ले और फिर हमें रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स ट्रू उस सूरत में रिटर्न करें अगर वो स्ट्रिंग जो है वो हमारे किसी दोस्त का नाम है वरना फॉल्स रिटर्न करे अब ये चीज भी हमें खुद ही डिफाइन करनी है कि हम दोस्त किसको कहेंगे तो मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि कोई भी नाम जो फर्ज फर्ज करें डी से शुरू होता है उसको हम एज फ्रेंड कंसिडर करते हैं सो आई जस्ट चले मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इस फंक्शन को यहां पर रख लेता हूँ मिटाता नहीं हूं मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ डेफ इज फ्रेंड और इसको हम नेम के नाम से एक स्ट्रिंग दे देते हैं चूंकि हमें नेम ही देना है सो so, अब हमें देखना है कि क्या ये नाम जो है ये डी से शुरू हो रहा है बिकॉज हमने ये कहा कि जिसका नाम जो भी नाम डी से शुरू होगा वो हमारा दोस्त होगा तो रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स सो अगर पहला uh, जो लेटर है वो डी है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं इज फ्रेंड टी एन सो इट स्टार्ट्स विद डी राइट एंड इफ यू जस्ट से इन दिस केस वी रिसीव फॉल्स वी कैन जस्ट एक्सटेंड इट. फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि नहीं दोस्त की डेफिनेशन बड़ा बड़ी महदूद सी है जो डी से शुरू हो रहे हैं वो भी हमारे दोस्त होंगे और जो ए से शुरू हो रहे हैं मिसाल के तौर पे वो भी हमारे दोस्त होंगे तो हम इसको कंडीशन को थोड़ा एक्सटेंड करके यू लिख सकते हैं कि अगर अब इस केस में देखिए हमने क्या किया हमने लिखा अगर नाम का पहला करेक्टर डी है या दिस और इज अ की वर्ड विच मीनस यू नो और का मतलब होता है या, <coughs> या अगर नाम का पहला करेक्टर ए है तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है यानी अगर किसी पर्सन का नाम ए से शुरू हो रहा है या डी से शुरू हो रहा है तो वह हमारा दोस्त समझा जाएगा वरना नहीं सो so, इस फ्रेंड को हम जरा चेक कर लेते हैं किसी ए से शुरू होने वाले नाम से ट्रू इन दिस केस राइट और अगर हम यू लिखते हैं तो वी रिसीव अ फॉल्स सो डी एंड ए आर टू एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स इन दिस केस एक बात और मैं कहता चलूं कि अगर हम ए स्मॉल इस्तेमाल करें तो उस सूरत में सो दैट मीन्स के जो केस uh, सेंसिटिविटी है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है अगर हम केस सेंसिटिविटी को भी इंक्लूड करना चाहें तो हम यहाँ पे और के मदद से और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ नेम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू स्मॉल ए सो इस सूरत में ये स्मॉल ए को भी एकट कर लेगा इसे कर लेना चाहिए राइट सो दिस इज़ हाउ इट गोस सो वी गो बैक टू आर एग्जाम्पल दैट वॉज

जो बुलियन कंपैरिजन और फिर उसके दरमियान जो हम ये लॉजिकल कंपैरिजन है करके अपने डिसीजंस कर सकते हैं हमें पता है कि दो एक्सप्रेशंस के दरम्यान अगर हम और का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है हम इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि अगर हम ट्रू और ट्रू लिखें तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं जवाब ट्रू ही होगा अगर हम ट्रू और फॉल्स लिखें तो भी ट्रू ही होगा दोनों में से एक भी ठीक है तो ठीक ही कंसिडर होगा इसी तरीके से अगर हम फॉल्स और फॉल्स लिखें तो ये फॉल्स होगा और अगर हम फॉल्स और ट्रू लिखें तो भी ये ट्रू होगा तो इसका मतलब ये सिर्फ़ एक सूरत में जब हम और इस्तेमाल करते हैं दो एक्सप्रेशन के दरमियान तो सिर्फ एक सूरत में नतीजा मनफी मनफी आता है और वो तब होता है जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होते हैं एक और बात और के बारे में जो बड़ी अहम है जो जाननी वो ये है कि पाइथन के और एक्सप्रेशन के ज़रिए कंजक्टेड एक्सप्रेशन को एवेलीट करने का तरीका ये है कि अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो फिर वो दूसरे एक्सप्रेशन को एवेलीट नहीं करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ print 4 less than 5 or 5 less than 4 right? हम जानते हैं कि ये ट्रू है और second वन फॉल्स है 5 less than 4 नहीं है इसको पहला ट्रू मिल गया यह दूसरे को evaluate नहीं करेगा लेकिन इसका हमें कैसे पता चलेगा कि इसने इसको evaluate नहीं किया मिसाल के तौर पे मैं यहां यह लिख देता हूं I रिसिव true राइट बिकॉज फोर इज़ लेस दिन फाइव पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया अगर मैं नम लिखूँ तो मुझे यहाँ पे नेम एरर मिलेगा विच इज़ वट आई एक्सपेक्ट क्योंकि नम के नाम से मैंने कोई वेरिएबल ऊपर डिफाइन नहीं किया सो आप बगैर डिफाइन किए अगर किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसके ऊपर नेम एरर देगा सो दिस इज़ द इफेक्ट दैट यू सी कि अगर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन को और के जरिए जोड़ें तो उस सूरत में अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो चूंकि और का ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि किसी एक एक्सप्रेशन का ठीक होना ओवरऑल एक्सप्रेशन के ठीक होने का बायस बनता है तो फिर पाइथन का इंटरप्रेटर उसके बाद वाले एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट नहीं करता खा वो फॉल्स हो खा वो इवन मिस डेक्लेरेशन भी हों या डिक्लेयर ना किए हुई चीजें भी हों और उसके ऊपर अदरवाइज पाइथन का इंटरप्रेटर आपको एरर दे राइट सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो अबाउट और एक्सप्रेशन

जो है वो हमें बताएगा तो इसकी इनपुट तीन नंबर्स होंगे और इसकी आउटपुट अगेन एक नंबर होगी जो उनमें से सबसे बड़ा नंबर होगा सो so हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं इफ़ यू डोंट माइंड मैं इस प्रोसीजर को भी लिखा रहने देता हूँ देर इज नो प्रॉब्लम विद इट सो वी नीड टू डिफाइन अ प्रोसीजर बिगेस्ट विट टेक्स एज इनपुट थ्री नंबर्स नम वन नम टू नम थ्री राइट नाउ what डू do आई I say if वन इज ग्रेटर than num2 टू दो नंबर्स का तो हमने पहले भी कंपैरिजन किया हुआ है मैं एक टेम्पररी वेरिएबल मिसाल के तौर पर बिग के नाम से ले लेता हूँ और कहता हूँ कि जी ठीक है अगर नम वन टू से बड़ा है तो बिग में नम वन डाल दें वरना बिग में नम टू डाल दें यानी अगर नम वन नम टू से बड़ा है तो बिग में नम वन डाल दे क्योंकि नम वन बड़ा आया है अगर ऐसी एक कंडीशन फॉल्स है तो फिर नम टू जो है सॉरी उसको बिग में डाल दें बिकॉज इन दैट केस नम टू बड़ा होगा अब हुआ क्या कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर हमने तलाश कर लिया और जो भी बड़ा नंबर था उसको एक तीसरे वेरिएबल बिग में स्टोर कर लिया अब हम बिग को कंपेयर कर लेते हैं नम थ्री के साथ सो वी राइट इफ Big is greater than num3. Return big. Else return num3. Right? So we just check whether our logic is working or not. So, like we say biggest. We give it three numbers. Sorry. We give it 3, 7, and 9. So we get 9. Now we place 9 here, 7 here, and 3 there. So it still finds that. And if in this case, for example, we place 9 at the start, it still finds the biggest number, right? So what we did here is, के पहले हमने दो नंबर्स में से बड़ा नंबर तलाश किया जो दो में से बड़ा नंबर था उसको बिग में स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में फिर वो जो बड़ा नंबर हमें मिला था उसको तीसरे नंबर से कंपेयर किया अगर बिग तीसरे नंबर से बड़ा है तो बिग ही हमारा सबसे बड़ा नंबर है वरना थ्री हमारा सबसे बड़ा नंबर है अब जब आपको इस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो आपके आपका सोलूशन का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलफ लोग इसी प्रॉब्लम को अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं राइट मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा वेरी भी कर सकते हैं हम एक काम ये करते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखें हमने एक फंक्शन एक प्रोसीजर लिखा था बिगर के नाम से जो यहाँ पर मौजूद है ये बिगर के नाम से राइट और यहाँ भी अगर आप देखें तो इसकी पहली तीन चार लाइनें इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं सिवाय इसके के वहाँ हम रिटर्न कर रहे थे तो यहाँ हम स्टोर कर रहे हैं बिग के अंदर रिटर्न में बाद में करना है चूँकि हमें एक मज़ीद नंबर से कंपेरिजन करना है राइट तो हम क्या करें कि बिगर हमें दो नंबर्स का बड़ा तो तलाश कर देता है तो वो जो एक नंबर बड़ा तलाश करके देता है उसको और तीसरे नंबर को दोबारा अगर हम बिगर को दे दें यानी उस एक प्रोसीजर बिगर को दो बार इस्तेमाल करके हम ये बिगेस्ट प्रोसीजर डिफाइन कर लें कैसे Like, मैं यह यहाँ से सब कुछ मिटा देता हूँ एंड आई से रिटर्न बेगर बेगर नाम वन सॉरी नाम टू नाम थ्री सो इफ़ यू क्लोजली सी वर आई एम डूइंग नाउ इज मैं ये कह रहा हूँ कि जी पहले आप बिगर तलाश कर लें नम वन नम टू में से अब ये बिगर क्या करेगा ये इस प्रोसीजर में जाएगा नम वन नम टू में से बिगर तलाश कर लेगा तो इसका जवाब क्या आएगा कोई एक नंबर वो नम वन होगा या नम टू होगा तो इवालियट होके इसका नंबर इसका जवाब एक नंबर आ जाएगा फिर वो जो बड़ा नंबर हमें मिलेगा दोबारा वो नंबर और नम थ्री दोबारा बिगर को दे दिए जाएंगे तो दोबारा बिगर उन दो नंबर में से बड़ा नंबर तलाश करके हमें दे, दे देगा एंड वी विल बी एबल टू गेट आर आंसर बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रोसीजर इज रिटर्न अब अगर हम इसको भी इवालियट करके देखें so we get 9 we get the biggest number and we get the biggest number even in this case so in this particular case instead of writing the biggest procedure from scratch we have used the bigger procedure twice within it to get the same effect and even haware a luxury available like a python make built-in procedure available मैक्स के नाम से जिसे हमें खुद नहीं लिखना पड़ता मैक्स के नाम से यह प्रोसीजर अवेलेबल है ये भी हमारे लिए ये काम कर देता है तो जिस भी सीक्वेंस पे आप इसे नंबर दें यह बड़ा नंबर तलाश करके हमें रिटर्न कर सकता है सो द हॉल मार्क इज कि एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बहुत सारे मुख्तलफ अंदाज हो सकते हैं फिल वक्त इस बहस में नहीं जा रहे कि कौन सा तरीका बेहतर है और कौन सा तरीक़ा कमतर है ओवरऑल uh, जब हम तरीक़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हम हमारे नज़दीक ज़्यादा बेहतर तरीक़ा वो होता है जो एफिशिएंट होता है uh, और रीडेबल भी होता है बट एनी वे फॉर द मोमेंट इफ़ यू नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू कैन हैव डिफरेंट टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम